और पहला मैच साइबर रोहन और डेडशॉट के बीच, डेडशॉट पहला खेल निकालते हुए, और एआर का मैच साइबर रोहन अपना 6x को एडजस्ट करते हुए। अभी इनको पता नहीं है कि डेडशॉट किधर है, राइट साइड में डेडशॉट है और ये दोनों को पास आते हुए प्री फायर देते हुए डेडशॉट। साइबर रोहन टीपीपी लेते हुए बॉल के पीछे से, डेडशॉट घूम के आते हुए रोटेट मारते हुए लेफ्ट से आ गए, साइबर रोहन राइट की तरफ रोटेट कर गए और ये फिर से प्री फायर, और सर 1-1 की बराबरी। बहुत अच्छा खेल निकाला, देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, दोनों में से कौन जीता है। एक एक की बराबरी पे चल रहे हैं, साइबर रोहन लेफ्ट साइड पे, डेडशॉट राइट साइड पे, दोनों ढूंढ रहे हैं एक तरह से, और ये फायर करा, डेडशॉट ने स्पॉट कर लिया है रोहन की पोजीशन को। रोहन घूम के आते हुए वेयरहाउस के अंदर जाते हुए, और डेडशॉट अभी भी टीपीपी लेते हुए पीछे हैं। रोहन बाहर निकलते हुए दोनों ने फायर किया और डेडशॉट ने किल निकाल लिया। और रोहन स्लाइड करते हुए, डेडशॉट ऑलरेडी उनकी तरफ राइट साइड पे प्री फायर, रोहन पोजीशन में आते हुए लेफ्ट से आ गए रोहन, और ये फायर और दोनों का प्री फायर, और एक और किल निकाल लिया डेडशॉट ने। स्कोर 3-1 हो गया। बहुत ज़्यादा जिगल जिगल कर रहे हैं, सर चकरा गया मेरा इनका जिगल देखते हुए। डेडशॉट अभी पीछे ही है रोहन वेयर हाउस के अंदर, और डेडशॉट राइट साइड में एक दूसरे की पोजीशन का पता लगा रहे हैं फायर करते हुए। डेडशॉट ने प्री फायर करा, रोहन ने भी करा, और रोहन एक और किल दे बैठे डेडशॉट का। स्कोर हो गया 4-1। और फिर से प्री फायर, रोहन कवर में जाते हुए, डेडशॉट का प्री फायर कवर में आते हुए रीलोड करते हुए, दोनों फिर से फायर, उछल जंप करके शॉट मारा, एक और किल डेडशॉट का, 5-1। रोहन काफ़ी पीछे होते हुए, जल्दी ही उनको 3-4 किल निकालने पड़ेंगे। और प्री फायर देते हुए पर डेडशॉट वहाँ पे है ही नहीं, उन्हें पता नहीं है। डेडशॉट लेफ्ट साइड से आते हुए रोहन स्पॉट कर रहे हैं, स्पॉट कर लिया उन्होंने फायर, प्री फायर, और फिर से साइबर रोहन नॉक हो गए हैं। रोहन शायद बहुत ही जल्दी फायर कर दे रहे हैं, उनको पहले स्पॉट कर लेना चाहिए कि उनका अपोनेंट किधर है। स्लाइड करते हुए स्पॉट कर लिया है, लॉन्ग रेंज से फाइट कर रहे हैं, देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा अच्छा लॉन्ग रेंज में। रोहन फिर से मारते हुए डेडशॉट रोटेट करते हुए आ गए हैं पोजीशन, या ये नॉक हो जाएंगे रोहन फिर से। ओह, रोहन ने फिर निकाल लिया, वाह गुड जॉब। 6-2 का स्कोर। रोहन कवर में जाते हुए, डेडशॉट ने ऑलरेडी स्प्रे कर लिया है, और फिर से कवर में आते हैं, थोड़ा सा डैमेज हुआ। डेडशॉट को पता है रोहन की पोजीशन क्या है, जंप शॉट होगा इस पे, और रोहन ने टीपी भी लेके मारा। 6-3 का स्कोर। 6 मिनट्स रिमेनिंग इन द मैच, और ये जिगल जिगल, बहुत ज़्यादा जिगल कर रहे हैं दोनों लोग। रोहन फिर से किल दे बैठे डेडशॉट को। इतना जिगल जिगल तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और ये फिर से स्प्रे मारा, और रोहन आई थिंक नॉक हो जाएंगे, बच गए, 10 HP बचा है बस, ये जल्दी नॉक हो जाएंगे, और डेडशॉट ने निकाल लिया। डेडशॉट बहुत ज़्यादा जिगल जिगल करके मारते हुए, रोहन आगे बढ़ते हुए, रोहन को आई थिंक पोजीशन पता है, और रोहन ने किल निकाल लिया। डेडशॉट को शायद पता नहीं लगा कि रोहन है किस तरफ। डेडशॉट बाहर निकलते हुए अपने डेन से बाहर निकले, रोहन ने स्पॉट करा, और ये फायर करेंगे यहाँ पे टीपी भी लेते हुए। रोहन फायर करा, थोड़ा सा डैमेज हुआ डेडशॉट को, आई थिंक 20% डैमेज हुआ बस। उन्होंने देख लिया पोजीशन, डेडशॉट टीपी भी लेते, डेडशॉट का स्प्रे, रोहन कवर में जाते हुए नेट करना चाहिए, आई थिंक इनको नेट करना चाहिए, वहाँ पे टीपी भी ले रहा है तो नेट होना चाहिए वहाँ पे, पर वो पीक एंड फायर यूज़ करते हुए आगे रुक करते हुए आगे पुश करते हुए देखते हैं क्या होता है। डेडशॉट रोटेशन में काट के आते हुए आ गए, और दोनों
रोहन ने किल निकाल लिया, 5-8 का स्कोर, 4 मिनट्स रिमेनिंग इन द मैच, दोनों एक ही साइड में, देखते हैं स्पॉट कर पाते, स्पॉट हो गए, फायर करा दोनों ने और रोहन खेलते ही बैठे फिर से। रोहन बहुत ही अग्रेसिव खेल रहे हैं, किल दे दे रहे हैं, अगर 5 किल निकालें तो 9 किल दे भी दिए हैं। स्लाइड करके नहीं मारना चाहिए था, पहले पोजीशन देख लेना चाहिए था। डेड शॉट के 10-5, अच्छी खासी लीड ले लिए एंड आई थिंक मैच उन्हीं की ही डिसीजन में जाएगा। और ये किल दे बैठेंगे रोहन, क्योंकि उन्होंने स्पॉट नहीं करा था कि डेड शॉट किधर है। स्पॉट करना बहुत ज़रूरी है, बंदे कितने डेड शॉट आ गए हैं। रोहन ये भी किल दे बैठेंगे, बहुत बढ़िया, लगता नहीं था कि ये किल कर पाएंगे। अब इनको आगे जाके टीपी भी लेना चाहिए, पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए, आगे जाके होना चाहिए खड़ा, क्योंकि डेड शॉट को भी आगे आने में टाइम लगेगा। उसको आने दे रहे, वो इनको स्पॉट कर सकता है, फ्री फायर में ले जा सकता है शायद। दोनों आ गए हैं सामने सामने कवर में और बहुत बढ़िया जंप एंड फायर, बट इट्स ऑफ नो यूज़। 12-6 का स्कोर, ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा किल करके लीड बना चुके हैं, वही लीड मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा खासा मार्जिन है। और एक बार और रोहन का किल, रोहन कवर में नहीं आ रहे, आई थिंक कवर में आना बहुत ज़रूरी है, फायर करें कवर में आए, फिर से रोहन किल दे बैठे। रोहन बहुत ही अग्रेशन में है, फ्री फायर देते हुए डेड शॉट रोहन को, रोहन भी पीक एंड फायर, नेड यूज़ करना चाहिए इनको फिर से। आई डोंट नो कि नेड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। पोजीशन चेंज कर लिए डेड शॉट ने, रोहन स्पॉट कर लेंगे उनको, फ्री फायर, रोहन कवर में आने की ज़रूरत है, डेड शॉट अंदर पुश करते हुए वेयर हाउस में, और एक और किल दे बैठे, 16-6 हो गया। बच गए, कवर में आते हुए रोहन, डेड शॉट ओपन में आते हुए नॉक हो सकते हैं, हो गए, ज़्यादा ओपन में आ गए भाई। रोहन को आगे पुश करना चाहिए क्योंकि 1.5 मिनट बचा है बस मैच में। कवर में सही जंप एंड फायर, हाँ सही है, और एक और किल निकालते हुए 16-8। टीपीपी लेके बैठना चाहिए, टीपीपी का यूज़, डेड शॉट का फायर, कवर में डेड शॉट, ओ कवर शॉट पे फिर फायर करने लगती है, डेड शॉट ने नॉकआउट कर दिया है। अब रोहन के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, 1 मिनट बचा है और 9 किल की लीड, 9 किल कर पाना 1 मिनट में बहुत मुश्किल है। आगे पुश करते हुए स्लाइड एंड फायर, आई थिंक डेड शॉट निकल जाएंगे, नॉक हो जाएंगे, रोहन पूरा रोटेट कर गए थे अंदर से बाहर। रोहन ने स्पॉट कर लिया, आई थिंक डेड शॉट का भी स्प्रे, किसी को कोई डैमेज नहीं है। आगे बढ़ते हुए रोहन फिर से नॉक हो गया, 18 नॉक हो गया स्कोर। कैसे राइट साइड पे टीपी भी लेते हुए जंप एंड फायर, रोहन ने किल निकाल लिया, बहुत अच्छे। और ये 20 सेकेंड आखिरी मैच के, डेड शॉट इजीली विन कर गए ये मैच, लास्ट किल डेड शॉट के नाम पे, 10 सेकेंड बचे हैं, डेड शॉट आगे की तरफ पुश करेंगे, लास्ट में भी किल लेने की कोशिश करेंगे, रोहन ऊपर चढ़ते हुए और ये डेड शॉट किल निकल जाएंगे। ओ लास्ट किल रोहन के नाम और ये मैच फिनिश।